मैं गोपाल प्रसाद शर्मा, प्रधानाचार्य किशनलाल जोशी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डी भरतपुर, राजस्थान। किसी भी विद्यालय की श्रेष्ठता का मापक उसका नामांकन, गुणवत्तापूर्ण श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं वित्तीय प्रबंधन होता है। इन्हीं पहलुओं को प्रभावी एवं मजबूत बनाने के लिए मैंने अपने विद्यालय के अग्रणी अनुभवी एवं ऊर्जावान व्याख्याताओं श्री एस बी कटारा, श्री नियाल सिंह, श्री कृष्णराय शर्मा एवं अन्य के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया एवं एक नवाचार करने का संकल्प किया, जिससे विद्यालय में नामांकन वृद्धि, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं विद्यालयों को भामाशाह द्वारा वित्तीय सहायता मिल सके। उक्त परिणामों की प्राप्ति हेतु एक ठोस कार्य योजना का निर्माण किया गया। कार्य योजना में दो नवाचारों की क्रियान्विति का निर्णय किया गया। नवाचारों का नाम दिया गया शिक्षण आपके द्वार और दूसरा प्रवेशोत्सव महाव्यान। शिक्षक आपके द्वार, यह नवाचार हमारे विद्यालय के लिए वरदान साबित हुआ। मैंने अपनी टीम के साथ कक्षा 10th और 12th की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से सायंकालीन सत्र में उनके निवास पर पहुंचकर उनकी दिनचर्या एवं स्वाध्याय की प्रवृत्तियों पर उनके अभिभावकों से विचार साझा किए, पढ़ाई संबंधी समस्याओं पर गहन चर्चा की। ऐसा करने से छात्रों की वास्तविक समस्याओं से परिचय, पश्चात मैंने सत्र पर्यंत लिए गए टेस्ट एवं अर्धवार्षिक परीक्षा की उपलब्धि के आधार पर छात्रों को 3 भागों में विभाजित कर संबंधित विषय अध्यापकों को छात्रों को उनकी कैटेगरी के अनुसार फोकस करने हेतु निर्देशित किया, ताकि अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। परिणाम स्वरूप तीनों ही संकायों के परिणाम में गुणात्मक और संख्यात्मक वृद्धि हुई। मेधावी छात्राओं को मिशन मेरिट से जोड़ा गया एवं मध्यम और औसत छात्रों को मिशन 100 से जोड़ते हुए उनकी शैक्षिक स्थिति पर ध्यान दिया गया। इस नवाचार के माध्यम से ही मुझे अनुभव हुआ कि छात्रों द्वारा घर पर उनको दिए गए टाइम टेबल एट होम का 100% पालन नहीं किया जा रहा। पढ़े रात में दो तीन घंटा पढ़ेगा शाम को और सुबह क्या जग जाए। आज सरकारी स्कूलों में ये पोजीशन है कि हर सुविधा उपलब्ध है, फ्री किताबें मिल रही हैं, फ्री बच्चों को रहने के लिए KGBB हॉस्टल मिल रहा है, NCC की सुविधा, RPSC सिलेक्टर टीचर स्काउट की सुविधा। पैसा क्यों खराब कर रहे हो तुम, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं इधर? तो जहां तक कोशिश हो सारे बच्चों को, पूरे गांव के बच्चों को इस तरह का मैसेज दे दो कि सारे बच्चे गाँव सरकारी स्कूल में किशनलाल जोशी स्कूल में पढ़ने आए। स्कूल ट्रेकर कैटेगरी निर्धारित कर उनकी मॉनिटरिंग की गई, परिणाम स्वरूप अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके। प्रवेशोत्सव महाव्यान, चूंकि हमारा विद्यालय ब्लॉक स्तर पर स्थित है और यहाँ पर ब्लॉक के लगभग 55 गांवों के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, विद्यालय में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला तीनों ही संकाय संचालित हैं। इस महाव्यान से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी टीम के साथ ब्लॉक की 28 ग्राम पंचायतों का दौरा कर सघन जनसंपर्क किया। इसके अंतर्गत गांव की चौपालों पर लोगों को एकत्रित कर एवं मनरेगा में कार्य करती हुई महिलाओं को उनके कार्य स्थल पर पहुंचकर सरकारी विद्यालयों में चल रही सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं का विस्तार से समझाया, सरकारी विद्यालयों में होने वाले बालकों के सर्वांगीण विकास के बारे में चर्चा की, योग्य शिक्षकों द्वारा प्रदान की जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से अवगत कराया। परिणाम विद्यालय का नामांकन जो गत सत्र 2019-20 में 790 था, चालू सत्र में बढ़कर 1164 हो गया, यानी कक्षा 12 के 222 छात्राओं को TC जारी करने के पश्चात 568 छात्राओं ने नव प्रवेश लिया। इनमें से लगभग 317 छात्राओं ने निजी विद्यालय छोड़कर हमारे विद्यालय में प्रवेश लिया। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों से संपर्क कर विज्ञान वर्ग अथवा वाणिज्य में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता से संपर्क किया। परिणाम स्वरूप वाणिज्य संकाय में नामांकन 33 से बढ़कर 69 होने के पश्चात हमारे विद्यालय को पूरे संपूर्ण जिले में वाणिज्य वर्ग में सबसे ज्यादा नामांकन होने का गौरव प्राप्त हुआ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा किया, जिसके परिणाम स्वरूप विज्ञान वर्ग की कक्षा 11th में 80% से 94% अंक प्राप्त करने वाले अधिकांश छात्रों को ने विद्यालय में प्रवेश लिया, जो वर्तमान में अध्ययनरत हैं। इस प्रकार
हमारे अथक प्रयासों से विद्यालय के नामांकन में 90% की वृद्धि दर्ज हुई। हमारे द्वारा किए गए जनसंपर्क से लोगों में विद्यालय के प्रति जुड़ाव, विश्वास और विद्यालय को वित्तीय मदद करने का मन बना, जिसके अंतर्गत कस्बा डीक के बाबा साहब श्री दाऊदयाल गांधी जी द्वारा 3 लाख की लागत से संपूर्ण विद्यालय में 28 CCTV कैमरे एवं 370 फीट की रेलिंग खेल मैदान को उपलब्ध कराई गई। अब हमारा उद्देश्य विद्यालय को नवाचारों के माध्यम से शैक्षिक, सहशैक्षिक और भौतिक दृष्टि से नई ऊंचाइयां प्रदान करना।